Assalamualaikum and welcome to the second video lesson of Social Studies Grade 7. I'm Social Studies teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. And today we are going to learn about chapter number 11, Islam in Southeast Asia, chapter number 12, Muslim Scientists, Philosophers and Travelers, chapter number 13, The Decline and the Reawakening of the Muslims. Let's start the video lesson. First of all, we are going to learn about chapter number 11 on page number 52, Islam in Southeast Asia. In this chapter, you all will learn about Islam in Southeast Asia, Mughal period, Indonesia, Malaysia and China. The first one is Islam in Southeast Asia. Islam jo hai wo kis tarah se Southeast Asia ki countries mein phaila, kin ke through wahan pe Islam pahuncha, kis tarah se gaya aur kis tarah se wahan ke logon ne Islam qubool karna shuru kiya, iske bare mein, in sab ke bare mein hum log is topic mein padhenge. The period from 1500 to 1800 was crucial in the spread of Islam in this region. इस region में 1500 to 1800 तक का जो period है बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस्लाम के फैलाव के लिहाज से. इस्लाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अरब आर्मीज के ज़रिए से नहीं फैला बल्कि मुस्लिम मर्चेंट्स, मुस्लिम ट्रेडर्स, जो बिजनेस मैन थे, जो ताजिर थे, जो अरब से, इंडिया से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया में जाया करते थे और वहाँ पे अपनी तिजारत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया. उनके ज़रिए से इस्लाम जो है वो उन कंट्रीज़ में पहुँचा. वहाँ ताजिर जाया करते थे तिजारत की गर्ज से और वहाँ के लोगों को इस्लाम में तालीमात के बारे में बताया करते, अल्लाह ताला के अहकाम के बारे में बताया करते थे. और इंडिया, अरेबिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के दरमियान में तिजारत स्पाइसेस और ज्वेल्स के लिए के लिहाज से वक्त, जैसे कि जेवरात और जो मसाला जात थे, उनकी तिजारत हुआ करती थी. इनिशियली सबसे पहले तो इस्लाम जो है वो कोस्ट लाइन एरियाज़ में फैला. वो इसकी रीज़न ये थी कि मलेशिया और इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स थे, जो कोस्टल एरियाज़ थे, सबसे पहले तो ताजिर उन एरियाज़ में जाया करते थे और उन एरियाज़ के लोगों का कॉन्टेक्ट सबसे पहले हुआ था मुस्लिम लोगों के साथ. इस वजह से इस्लाम सबसे पहले मलेशिया और इंडोनेशिया के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के कोस्टल एरियाज़ में फैलना शुरू हुआ. द नेक्स्ट वन इज़ मुग़ल एम्पायर. मुगल एम्पायर के दौरान, मुगल पीरियड के दौरान इस्लाम जो है वो किस तरह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है वो फैलना शुरू हुआ. मुगल पीरियड के दौरान मुस्लिम कंट्रीज़ ने अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी तिजारत को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू किया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और वहाँ पर वो कोस्टल एरियाज़ में परमानेंटली सेटल होना शुरू हो गए थे मुसलमान. और वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इस्लाम के बारे में बताया और अपनी तिजारत को कंटिन्यू रखा. और कोस्टल एरियाज़ के लोग बहुत ज़्यादा मुस्लिम जो ताजिर थे उनकी ऑनेस्टी को, उनकी सिंसेरिटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे. बहुत ज़्यादा वो उनसे इम्प्रेस होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान होने की तरफ वो आए. और 16th और 17th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो मुगल पीरियड के दौरान इन सेंचुरीज में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में. बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी. जो जितने भी किंग थे, प्रिंसेस थी, पावर के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे. बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया. और 1800 के दौरान आइलैंड ऑफ जावा में कम्प्लीटली इस्लाम इस्टेब्लिश हो चुका था. आइलैंड ऑफ जावा इंडोनेशिया का मेन सेंटर है, जहाँ पे इंडोनेशिया की ज़्यादातर आबादी स्टे करती है, रहती है वहाँ पर. इस तरह से मुगल पीरियड के दौरान इस्लाम जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में फैलना शुरू हुआ. इंडोनेशिया में इस्लाम किस तरह से फैला. इंडोनेशिया जो है वो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है. इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड. अगर हम लोग बात करें तो 222.8 मिलियन मुस्लिम जो है इंडोनेशिया में रहते हैं 2007 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली. और इस्लाम जो है वो इस कंट्री में सूफी तुर्क के ज़रिए से फैला. और 17th सेंचुरी जो है वो गोल्डन पीरियड था इस्लाम के वहाँ फैलने का. सूफी जो तुर्क थे, जो सूफिया कलाम्स थे, जो हमारे रिलीजियस स्कूल्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की इस्लाम को इंडोनेशिया में फैलाने में. इसके अलावा जो बेसिक्स थे इस्लाम की, जैसे कुरान पाक की तलावत, प्रेयर्स किस तरह से, नमाज़ें किस तरह से पढ़ी जाती हैं, फास्टिंग किस तरह से की जाती है, ये सब जो बेसिक्स थे इस्लाम की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी उसी तरह ही से थी जिस तरह की किसी भी दूसरी इस्लामिक कंट्री में होती हैं. इसके अलावा इंडोनेशिया में बहुत से मदरसे बनाए गए, मकताब बनाए गए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की वहाँ पर इस्लाम को फैलाने में. इफ़ यू टॉक अबाउट मलेशिया, तो मलेशिया में किस तरह से इस्लाम फैला. मलेशिया भी लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है.
अगर हम ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो इंडोनेशिया के बाद मलेशिया जो है वो उसमें मुस्लिम जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। इस्लाम इन मलेशिया में किस तरह से फैला, 7th सेंचुरी तक इस्लाम जो है वो इंडोनेशिया में काफ़ी हद तक फैल चुका था और अरब ट्रेडर्स के ज़रिए से, ताजिर के ज़रिए से, ताजिरान के ज़रिए से इस्लाम जो है वो मलेशिया में फैला। जब ताजिर वहाँ पर तजारत के लिए आते थे तो वहाँ के लोगों को इस्लाम के बारे में बताते थे। और लुक एट द पिक्चर, एक पिक्चर है ट्रंकेरा मॉस्क्यू है जो कि 600 ईयर्स अगो बिल्डअप की गई थी मलेशिया में। द नेक्स्ट पॉइंट इज चाइना। चाइना में इस्लाम किस तरह से फैला, डिफरेंट ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स जो हैं वो यूज़ की जाती थी तिजारत के लिए। सिल्क रूट ने बहुत अहम किरदार अदा किया इस्लाम को फैलाने में। वहाँ से ताजिर चाइना जाते थे, वहाँ जाके अपनी तिजारत करते थे और इस तरह से इस्लाम को वहाँ जाकर फैलाते थे। और चाइना में मुस्लिम्स की कंट्री जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन चाइना की जो है उसमें से 1.5% पॉपुलेशन जो है चाइना में मुस्लिम्स की है। देयर इज़ द समरी। इस्लाम वाज टेकन टू साउथ ईस्ट एशिया बाय मुस्लिम मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इंडोनेशिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स दैन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। 222.8 मिलियन मुस्लिम्स इंडोनेशिया में थे, किसके अकॉर्डिंगली, 2007 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली। द ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड द इस्लाम फ्राम अरेबिया टू साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। चाइना में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इस्लाम जो है टूरिस्ट के ज़रिए से फैला था और डिफरेंट ट्रेड रूट्स जो है वो यूज़ की गई थी तिजारत के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब पॉइंट समझ में आए होंगे। नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स। इस्लाम वाज टेकन टू साउथ ईस्ट एशिया बाय डैश मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। किन के ज़रिए से फैला था, मुस्लिम मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। मेजोरिटी ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया वर्शिप दियर ओन लोकल गॉड्स। मलेशिया और इंडोनेशिया के जो लोग थे वो ज़्यादातर अपने लोकल गॉड्स की पूजा किया करते थे और बाद में मर्चेंट्स के जरिए से, ट्रेडर्स के जरिए इस्लाम जब ऐसे वहाँ फैलना शुरू हुआ तो तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। द पीरियड फ्रॉम 1500 टू 1800 वाज क्रूशियल इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम को फैलाने में 1500 टू 1800 का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इन द मुगल पीरियड मुस्लिम ट्रेडर्स इंक्रीज देयर एक्टिविटी इन साउथ ईस्ट एशिया। जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि मुगल पीरियड के दौरान मुस्लिम ट्रेडर्स ने अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था साउथ ईस्ट एशिया में। बाय 1800 इस्लाम वॉज इस्टेब्लिश ऑन द रिच एंड पॉपुलस आइलैंड ऑफ जावा। आइलैंड ऑफ जावा सेंटर ऑफ इंडोनेशिया है और यहाँ पर इस्लाम कब जब इस्टेब्लिश हुआ था, 1800 में। ट्रू ऑफ फॉल्स। द सेंट्रल एशियन स्टेट्स गेन इंडिपेंडेंस इन, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कब जो है वो आज़ादी मिली, 1990। नो फॉल्स। USSR वॉज नॉन एज रशिया इन 1990। इट इज़ ट्रू। द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इज मलेशिया। फॉल्स। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री कौन सी है, इंडोनेशिया। टुडे मुस्लिम रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन इन द फिलीपींस। ट्रू। इन इंडिया मुस्लिम्स फ्रॉम 20% ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया में मुस्लिम्स 20% पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है, नो फॉल्स। शॉर्ट क्वेश्चंस। हु ब्रॉट इस्लाम टू चाइना। चाइना में इस्लाम जो है वो किसके ज़रिए से गया, किस तरह से फैला। इस्लाम वॉज टेकन टू चाइना बाय द पर्शियंस एंड द मंगोल्स। वट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन चाइना। चाइना में कितनी पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स की, द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन चाइना इज़ ओवर 14 मिलियन। वट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ USSR। द एब्रीवेशन ऑफ USSR इज़ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। वट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया इज़ अबाउट 13.4%। नेम द रूट थ्रू विच इस्लाम रीच चाइना। इस्लाम चाइना में इस्लाम जो है वो किस रूट के जरिए से फैला था। ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स यूज द फेमस ग्रेट सिल्क रूट एंड इट वॉज थ्रू दैम दैट इस्लाम रीच चाइना। सिल्क रूट के जरिए से इस्लाम जो है वो चाइना में गया। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स सिल्क रूट यूज़ करते थे अपनी तिजारत के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन। हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया एंड वेन। इस्लाम जो है वो किस तरह से और कब जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में फैला। इस्लाम वॉज टेकन टू साउथ ईस्ट एशिया नॉट थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बाय द अरब आर्मीज बट बाय मुस्लिम मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम अरेबिया एंड इंडिया। इस्लाम जो है वो किस तरह से फैला वहाँ पर, अरब आर्मीज के ज़रिए से नहीं बल्कि मुस्लिम मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो ताजिर थे अरब और इंडिया के, उनके ज़रिए से इस्लाम जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में फैला। और 5th सेंचुरी में जो है संस्कृत यूज़ की जाती थी, संस्कृत में चीज़ें जो है वो राइट की जाती थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मलेशिया और इंडोनेशिया में जो इन्हेबिटेंट्स थे
वो बुद्धिस्ट थे, हिंदू थे और डिफरेंट लोकल गॉड्स की पूजा किया करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल करने किया जब ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने उन्हें इस्लाम की तालीमात के बारे में बताया। द नेक्स्ट वन इज राइट अबाउट द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडोनेशिया मलेशिया एंड चाइना। इंडोनेशिया मलेशिया और चाइना में इस्लाम जो है वो किस तरह से फैला, जैसे कि मैं आपको ये सब पॉइंट्स पहले भी बता चुकी हूँ। इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम, सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है वो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं अगर हम ओवरऑल द वर्ल्ड बात करें तो। और इस्लाम इज़ टू हैव स्प्रेड हियर थ्रू द सूफी तुर्क, सूफी तुर्क के जैसे इस्लाम फैला, रिलीजियस जो स्कूल्स हैं उनके जैसे इस्लाम जो है वहाँ पर फैला, लेकिन इसके प्रॉपर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और 17th सेंचुरी तक इस्लाम जो है वो इंडोनेशिया तक काफ़ी हद तक फैल चुका था। इसी सेंचुरी गोल्डन एज था इस्लाम के फैलने में इंडोनेशिया में। मलेशिया में इस्लाम जो है, मलेशिया नेक्स्ट लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से अगर हम लोग बात करें तो। इंडोनेशिया में इस्लाम जो है वो 7th सेंचुरी तक जो है वो इस्लाम मलेशिया में काफ़ी हद तक फैल गया था, किसके ज़रिए से, अरब ट्रेडर्स के ज़रिए से। और चाइना में सिल्क डिफरेंट ट्रेड रूट्स यूज़ की जाती थी, ताजिर ट्रेड रूट्स के ज़रिए से चाइना में जाते थे तिजारत करने के ज़रिए से, और इस तरह से वो चाइना में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो है वो इस्लाम के बारे में बताते थे। इस तरह से इस्लाम जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में फैला तिजारत के ज़रिए से, ताजरों ने इस्लाम जो है वो फैलाया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 11। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नो यू हैव टू पॉज दिस वीडियो हेयर एंड रिव्यू योर प्रीवियस पॉइंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 12, मुस्लिम साइंटिस्ट फिलोसोफर्स एंड ट्रैवलर्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम जो साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने क्या अचीव किया, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या काम किए। इन द चैप्टर यू विल लर्न अबाउट इब्ने बतूता, अल बिरूनी, इब्ने रश्द, इब्ने सीना, इब्ने खल्दून, अल ख्वारज़्मी, उमर अल खयाम। द फर्स्ट वन इज़ इब्ने बतूता। इब्ने बतूता के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो वो बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे, मुस्लिम ट्रैवलर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की, एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की। उसी ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स, जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली बहुत से रिकॉर्ड्स जो है उन्होंने जमा किए, जो कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं। उन्होंने स्पेन टू चाइना, सेंट्रल अफ्रीका टू रशिया, इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया। इब्ने बतूता ने स्टडी की लॉ में, इसके अलावा जब वो 21 ईयर्स के थे तो उन्हें मक्का जो है वो भेज दिया गया, मक्का रवाना हो गए हज के लिए। इंडिया में वो बहुत टाइम के लिए रहे एज़ अ काजी, एज़ अ जज उन्हें अपॉइंट किया गया वहाँ पर। इसके अलावा उनकी, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उनकी ट्रैवलिंग के ज़रिए से हमें जियोग्राफिकली, हिस्ट्रिकली बहुत ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है इनकी ट्रैवलिंग से। द नेक्स्ट वन इज़ अल बिरूनी। अल बिरूनी वॉज द मोस्ट फेमस अरब साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट थे, उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, गज़नी में इनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा अल बिरूनी बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे, तुर्की, संस्कृत, पर्शियन, बहुत सी लैंग्वेजेस ये बोला करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो इनकी राइटिंग्स होती थी ये ज़्यादातर अरबिक लैंग्वेज में जो है वो लिखा करते थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी बुक्स पे काम किया, बहुत सी बुक्स लिखी इन्होंने, मेडिसन्स पे, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, बहुत सा इन्होंने काम किया इन सब फील्ड्स में, और इन सब फील्ड इन्होंने बहुत सी बुक्स राइट की। एस्ट्रोनॉमी होता है स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में स्टडी करना। इसके अलावा जो दूसरी अल बिरूनी की डिफरेंट बुक्स हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस, तारीख के बारे में उन्होंने बताया, इंडिया विच डील्स विद द कस्टम्स एंड कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, एस्ट्रोलेब विच डील्स विद द नेविगेशन, नेविगेशन मतलब जो हमें सिम्ट बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, अगर हम लोग समुद्री कोई सफ़र करें तो हमें डायरेक्शन बताते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। डेंसिटीज विच डील्स विद द मेटल्स, लिक्विड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट अल बिरूनीज लाइफ। द नेक्स्ट वन इज़ इब्ने रश्द। इब्ने रश्द ने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया। इब्ने रश्द वाज़ बोर्न इन कोडोबा, कोडोबा में ये पैदा हुए, अल मुआहिज में कोर्ट में एज अ जज इन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया, स्पेन की सिटी में ये रहे। इसके अलावा इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में, बहुत से सब्जेक्ट्स में इन्होंने महारत हासिल की, इनको लॉ में, फिजिशंस में इन्होंने बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। इब्ने रश्द का मेन कंट्रीब्यूशन था फिलोसफी में, एज अ फिलोसोफर इन्होंने बहुत सा काम किया, इन्होंने ग्रीक फिलोसफी पर बहुत ज़्यादा काम किया, इनकी ग्रीक फिलोसफी को ट्रांसलेट भी किया गया, जिन्हें यूरोपियन थिंकर्स ने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपनी रिसर्च में यूज़ किया। इब्ने सीना,
अगर हम इब्न सीना की बात करें तो इब्न सीना के फ्रॉम बुखारा, बुखारा में जो है ये पैदा हो गए, वहाँ से ये आए। उन्होंने कुरान पाक को बहुत अर्ली एज में मेमोराइज़ कर लिया था, बहुत अर्ली एज में इन्होंने कुरान पाक को याद कर लिया था। मैथमेटिक्स में, फ़िलोसफ़ी में, मेडिसन्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो मेडिसन्स में था। कानूनुल शिफात जो इनकी बुक है, उनको यूरोपियंस ने उनको एज अ बेसिस ऑफ टीचिंग मेडिसन जो है वो यूज़ किया, और 17th century तक यूरोपियंस जो है वो इनकी कानूनुल शिफात को अपने स्टूडेंट्स को मेडिसिन की तालीम देने के लिए यूज़ करते रहे। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, पर्शिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, और उनकी डेथ हो गई थी हमदान में 1037 में। अब इब्न सीना के बारे में ये सब कुछ था। इब्न खलदून, इब्न खलदून इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इन्होंने हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा काम किया। तनीसिया में ये पैदा हुए, और इन्होंने बहुत एक टर्बुलेंट लाइफ, बहुत मुश्किल लाइफ में इन्होंने ग्रो अप किया, परवरिश पाई। इसके अलावा फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन्हें कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया, लोगों की बहुत ज़्यादा स्टडी की, उनके बिहेवियर्स में उनके ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा की, इस वजह से इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी डेथ हुई इजिप्ट में। अलख्वाज़मी, अलख्वाज़मी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अलख्वाज़मी पर्शिया में पैदा हुए। इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने यूज़ ऑफ ज़ीरो इस्टेब्लिश किया कि मैथ्स में हम ज़ीरो को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा काम किया। एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में, इसके अलावा इन्होंने जियोग्राफी पर बहुत ज़्यादा काम किया अलख्वाज़मी ने। द नेक्स्ट वन इज़ उमरुल ख़याम। उमरुल ख़याम, ख़याम मीन्स द टेंट मेकर। उमरुल ख़याम, इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, बहुत ज़्यादा फेम मिला। इनकी एक 4-line पोइम थी, स्टेंसा था, रुबायात जिसे कहा जाता है, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। इसके अलावा इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन उसके प्रॉपर कोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम उसमें भी किया था। इसके अलावा उमरुल ख़याम पर्शियन सोलर जो कैलेंडर था उसको उन्होंने रीफॉर्म किया, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया पर्शिया में। समरी, इब्न बतूता वॉज द मोस्ट फेमस अमंग द अर्ली मुस्लिम ट्रैवलर्स। इसमें कोई पहले भी बता चुकी, इब्न बतूता ने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की अपनी लाइफ में। वैन इब्न बतूता वॉज 21 ही सेट ऑफ ऊना पिलग्रिमेज टू मक्का, वो हज के लिए चले गए थे। इब्न खलदून इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इब्न खलदून हिस्टोरियोग्राफी के फादर, उन्होंने हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा काम किया। अलख्वाज़मी वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन, उन्होंने मैथमेटिशियन पर बहुत ज़्यादा काम किया। मैथ्स में उनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। उमरुल ख़याम बिकेम फेमस फॉर हिज रुबाइया, जो 4-line स्टेंसा था उनका, जो उन्होंने पोइम लिखी थी उसमें उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। फिल इन द ब्लैंक्स, अलबरूनी वॉज बोर्न इन उज़्बेकिस्तान। अलबरूनी रोड 113 बुक्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी, जिनके मैं आपको 4 बुक्स के नाम भी बता चुकी हूँ, डेंसिटीज़, इंडिया। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से बुक्स लिखी थी, टोटल 113 बुक्स उन्होंने राइट के लिए। इब्न रश्द वॉज बोर्न इन कोडोबा। ख़याम एक्चुअली मीन्स टेंट मेकर। इब्न बतूता डाइड इन 1368। ट्रू फॉल्स, अलबरूनी डाइड इन गजनी श्रो। इब्न सीना वॉज बोर्न इन 970। फॉल्स, इब्न खलदून वॉज बोर्न इन तनीसिया। ट्रू, रुबाइयात इज सिंगुलर फॉर रुबाई। फॉल्स, रुबाइयात इज प्लूरल फॉर रुबाई। इब्न खलदून डाइड इन इजिप्ट। ट्रू। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इब्न बतूता सेट ऑफ ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का, वो कब गए थे। ही सेट ऑफ ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का एट द एज ऑफ 21, जब 21 साल के हुए थे तो वो हज के लिए गए थे। विच इज़ द फेमस बुक ऑफ अलबरूनी, अलबरूनी की कौन सी फेमस बुक थी। इंडिया, और भी बहुत सी बुक्स थी, उनमें से जो मोस्ट फेमस बुक्स थी वो थी इंडिया। राइट नेम्स ऑफ सम बुक्स ऑफ अलबरूनी, अलबरूनी की डिफरेंट बुक्स कौन कौन सी थी। मोस्ट फेमस बुक्स आर इंडिया, क्रोनोलॉजी ऑफ एंशियंट नेशंस, एस्ट्रोलेब, डेंसिटीज एंड कानून। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रुबाइयात। रुबाइयात इज द प्रूफ फॉर रुबाई विच इज़ 4-line पोएम। हु बिकेम फेमस फॉर रुबाइयात, रुबाइयात के लिए कौन फेमस हुआ था, किसने रुबाइयात लिखी थी, 4-line पोएम किसने लिखी थी। उमरुल ख़याम बिकेम फेमस फॉर रुबाइयात। लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द इब्न रश्द। इब्न रश्द के बारे में आप क्या जानते हैं, तो मैं आपको इब्न रश्द के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। इब्न रश्द वॉज बोर्न इन कोडोबा, कोडोबा में ये पैदा हुए। ये अल मुआहिद्स की कोर्ट में जो है वो एज अ जज इन्हें अपॉइंट किया गया था।
स्ट्रॉन्ग कमांड मैथ बहुत से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड थी, बहुत महारत हासिल थी। एज अ फिजिशियन इन्होंने बहुत काम किया। लॉ में इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। इसके अलावा इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो फिलोसफी में था, और इनकी जो फिलोसफी ग्रीक फिलोसफी जिनकी राइटिंग थी उसको ट्रांसलेट किया गया और यूरोपियन थिंकर्स ने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने फर्दर रिसर्चेस में। इब्ने सीना के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इब्ने सीना के बारे में जैसे मैं आपको पहले भी सब कुछ बता चुकी हूँ, इब्ने सीना बुखारा में पैदा हुए, वहाँ से आए थे। ये फिलोसोफर एज अ फिजिशियन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थी इनके, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इन्होंने कुरान पाक अपनी अर्ली एज में ही हिफ्ज़ कर लिया था। इसके अलावा इनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी, इनको मेडिसिन में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी, और इनका जो मेडिसिन का काम था वो बहुत, इन्होंने ज़्यादा मेडिसिन पे काम किया था। उन्होंने शिफात जो इनकी बुक थी उसको एज अ बेसिस ऑफ टीचिंग मेडिसिन जो यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया गया था टिल 17th century। उन्होंने पर्शिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया और इनकी वफात हुई थी हमदान में 1037 में। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 12। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब अपनी वीडियो को यहीं पर थोड़ी देर के लिए पॉज करें और अपने पिछले पॉइंट्स को रिव्यू करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 13, द डिक्लाइन एंड द रीअवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम्स। इन दिस चैप्टर यू ऑल विल लर्न अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम्स, द रीअवेकनिंग ऑफ द इस्लाम, शावली उला। द डिक्लाइन ऑफ इस्लाम, इस्लाम को किस तरह से मुसलमानों को जवाल आया, किस तरह से जो मुस्लिम हुक्मरान थे उनको अपने तख्त छोड़ने पड़े, किस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ पर जो है वो यूरोपियन हुकूमत ने अपने कंट्रोल में उनको उसको ले लिया, तो इस सब के बारे में आप जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द 19th century वॉज अ टाइम ऑफ द राइस ऑफ यूरोपियन पावर एंड डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम्स थ्रू आउट एशिया एंड यूरोप। 19th century बहुत एक मुश्किल टाइम था। उस टाइम के दौरान में यूरोपियन पावर आहिस्ता आहिस्ता से जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती जा रही थी और मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने अंडर जो है वो करती जा रही थी। पर्शिया, इजिप्ट, इसके अलावा इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज़ और ईस्ट अफ्रीका, ये सब कंट्रीज़, ये सब स्टेट्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के, यूरोपियन रूल के आहिस्ता आहिस्ता अंडर जो में आती जा रही थी। रीज़न क्या थी, ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों मुस्लिम्स जो हैं वीक से वीक होते जा रहे थे और यूरोपियंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, उसकी रीज़न्स ये थी कि जो मुस्लिम हुक्मरान थे उनका कोई प्रॉपर एम नहीं रहा था, कोई फोकस नहीं रहा था। जो मुस्लिम रूलर्स थे बिकेम डिस्पोटिक, बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होते जा रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे, अपनी हर बात में जो है वो चला रहे थे, एजुकेशन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा दुश्मनियाँ पैदा होती जा रही थी, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। पॉलिटिकली भी एक कंट्री जब वीक हो जाए तो उस वो कंट्री जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। तो इन सब रीज़न्स की वजह से इस्लाम जो है मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी और यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो इनको कंट्रोल करती जा रही थी। और बाय द एंड ऑफ 19th century मुस्लिम वर्ल्ड कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाई यूरोप। यूरोप ने 19th century के एंड तक पूरा जो है वो कंट्रोल कर लिया था मुस्लिम कंट्रीज़ को। द रीअवेकनिंग ऑफ इस्लाम, अब इसके बाद जब मुस्लिम कंट्रीज़ पे इतना ज़्यादा जो है वो यूरोपियंस ने कंट्रोल कर लिया था, तो इस किस तरह से दोबारा से लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चला, किस तरह से वो जागे दोबारा से कि इस्लाम जो है वो दोबारा से फैलना शुरू हुआ। पहले तो इस्लाम रेजिडेंट स्पीक इन नॉर्दर्न इंडिया अंडर द मुगल्स। मुगलिया दौर में जो है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुगलिया दौर में इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में। ओवरऑल थ्रू आउट द नॉर्दर्न इंडिया इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था। और लेकिन उस टाइम पे मुगल जो थे, मुस्लिम जो थे वो बहुत कम थे, माइनॉरिटी में थे। हिंदूज जो हैं वो यूरोपियन जो हैं बहुत ज़्यादा थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि मुगल एम्पायर का जो लास्ट हुक्मरान थे औरंगज़ेब, बहुत ज़्यादा जंगों की वजह से कंटिन्यूसली वॉर्स हो रही थी, 50 ईयर्स से जंगों की कंटिन्यूसली जंगी हो रही थी, जिसकी वजह से मुस्लिम स्टेट जो है ये मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा था। और इस फ्रीक्वेंट फाइटिंग की वजह से इनकी स्टेट इतनी ज़्यादा वीक होती जा रही थी कि यूरोपियंस जो है वो पूरे मुस्लिम स्टेट को जो है वो अपने अंडर जो है आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे थे। उसके बाद लेकिन अब भी स्टिल कुछ ऐसे लोग, ऐसे सेंसिबल लोग, ऐसे वॉइस लोग मौजूद थे जो कि ये रियलाइज़ कर रहे थे कि एजुकेशन की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें दोबारा से अपनी मुस्लिम कंट्रीज़ को वापस लेना यूरोपियन कंट्रीज़ से, हमें आज़ादी चाहिए। उस टाइम पे भी ऐसे लोग मौजूद थे जैसे कि शाह वली उल्लाह और भी बहुत से लोग। और उस टाइम पे मदरसा अज़हर मकताब ने बहुत ज़्यादा मदद की, रिलीजियस फिगर्स ने
जैसे शाह वली उल्लाह, इसके अलावा और भी जितने सूफी सेंट्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की कि जिस इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में, मदरसाज में लोगों को जो है वो टीचिंग इस्लामी तालीमात के बारे में बताया गया, उनके राइट्स के बारे में बताया गया, उन्हें बताया गया कि उन्हें किस तरह से अब अपने स्टेट्स को जो है वो अचीव करना है दोबारा से। शाह वली उल्लाह ने किस तरह से इस्लाम फैलाने में, किस तरह से लोगों को दोबारा जगाने में जो है वो क्या अपना किरदार अदा किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शाह वली उल्लाह वाज बोर्न इनटू अ स्ट्रिक्ट रिलीजियस फैमिली, बहुत ज़्यादा वो एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस फैमिली में पैदा हुए थे। इस्लामी तालीमात का बहुत ज़्यादा जो है वो पास रखा जाता था और इनके फादर एज़ अ टीचर काम कर रहे थे उस टाइम पे, दिल्ली के एक मदरसा में एज अ टीचर थे। और शाह वली उल्लाह को पहले वहीं पे ही सारी एजुकेशन दी गई थी और उसके बाद उन्हें जो है वो मक्का में मज़ीद एजुकेशन के लिए जो है वो भेज दिया गया था। शाह वली उल्लाह जब मक्का से वापस आए, 14 साल के बाद वो वापस आए थे, उन्होंने देखा कि जो मुसलमानों के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हर एक के अपने आइडियाज़ हैं रिलीजन के लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से, किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई नहीं जानता इस्लाम की जो मेन तालीमात हैं वो है क्या है। उन्होंने सोचा कि ये मेन रीज़न इसकी ये है कि कुरान पाक अरेबिक ज़ुबान में है और अरबी सबको नहीं आती। उन्होंने उस टाइम पर फिर कुरान पाक को पर्शिया में ट्रांसलेट किया और पर्शिया जो है वो ज़्यादातर एजुकेटेड लोगों को पर्शियन ज़ुबान समझ में आती थी। उसके बाद लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक को समझना शुरू किया। शाह वली उल्लाह के बाद उनके बेटे ने कुरान पाक को जो है वो उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट किया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों ने इस्लाम को दोबारा से समझने की कोशिश की, दोबारा से जो अपने राइट्स के बारे में सोचना शुरू किया। शाह वली उल्लाह ने ये रियलाइज़ किया कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में डिसऑनेस्टी आ गई है, कोई जो ट्रेडर्स है उनकी डिसऑनेस्टी की वजह से, इसके अलावा अमीर और गरीब के फ़र्क की वजह से बहुत से लोग जो है वो डिस्करेज हो रहे हैं इस्लाम की तरफ से, वो इस्लाम की तरफ आ नहीं रहे हैं। उन्होंने शाह वली उल्लाह ने लोगों को कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा मतलब एक डिसेंट इनकम दी जाए, जितने भी वर्कमैन हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ताकि लोग जो है वो इस्लाम की वैल्यूज़ को समझें। जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो एक अपनी हर चीज़ के लिए एक फेयर प्राइसेस रखें, ताकि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को, वो भी इससे फ़ायदा जो है वो उठा सकें। शाह वली उल्लाह की इन तालीमात की वजह से, इन सब आइडियाज़ की वजह से इस्लाम बहुत ज़्यादा लोगों में फैला और लोगों ने इस्लाम की तरफ आना शुरू किया। समरी ऑफ दिस चैप्टर, द 19th सेंचुरी वॉज द टाइम ऑफ द राइस ऑफ यूरोपियन पावर्स एंड डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम्स थ्रू आउट एशिया एंड यूरोप। 19th सेंचुरी याद आ कि मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा जवाल आ रहा था मुसलमानों को और यूरोपियंस ने थ्रू आउट द एशिया अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया था। पोलिटिकली देर वर राइवलरीज एंड करप्शन विच वीकेंड द स्टेट, स्टेट बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी क्योंकि पोलिटिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती जा रही थी, करप्शन बहुत ज़्यादा थी। इस्लाम रीजिड स्पीक इन नॉर्दर्न इंडिया अंडर द मुगल्स, मुगलिया दौर में इस्लाम जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला। अ मकताब इज़ ऑल्सो अ प्लेस ऑफ लर्निंग, मदरसा मकताब किसे कहते हैं, प्लेस ऑफ लर्निंग है जैसे मदरसा है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, औरंगजेब डाइड इन 1762। शाह वली उल्लाह फादर वॉज अ टीचर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दिल्ली में वो एज अ टीचर थे। शाह वली उल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शिया। शाह वली उल्लाह वॉज बोर्न इन 1703। पोलिटिकली देयर वर राइवलरीज एंड करप्शन विच वीकन द स्टेट। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, वली उल्लाह सन ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू इंग्लिश, फॉल्स, क्योंकि उन्होंने किस लैंग्वेज में होली कुरान को ट्रांसलेट किया था, उर्दू लैंग्वेज में। इस्लाम रीच इट्स पीक इन नॉर्दर्न इंडिया अंडर द मुगल्स, ट्रू। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द मुस्लिम वर्ल्ड वॉज कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाई यूरोप, ट्रू। द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर वॉज शाहजहां, फॉल्स। शाह वली उल्लाह रियलाइज द डिफरेंसिस बिटवीन रिच एंड पुअर, ट्रू। These are some short questions of this chapter. Question number 1, what is a maktab? A maktab is a place of learning. Question number 2, what is meant by the word maktab? The word maktab comes from the word kitab meaning book. When NWFP has been renamed the Northwest Frontier Province, NWFP has been renamed Khyber Pakhtunkhwa in 2010. Question number 4, when did Shah Wali Ullah die? Shah Wali Ullah died in 1762. हाउ मैनी ईयर्स लेटर शाह वली उल्लाह रिटर्न टू दिल्ली। शाह वली उल्लाह कितने अरसे के बाद दिल्ली वापस आए थे? 14 साल के बाद दिल्ली वापस आए थे। आफ्टर 14 ईयर शाह वली उल्लाह रिटर्न टू दिल्ली। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन,
What were the factors that led to the decline of the Muslim states in the 17th and 18th centuries? 17th और 18th centuries में क्या reasons थे जिसकी वजह से Muslim state बहुत ज़्यादा decline की तरफ चली गई थी, बहुत ज़्यादा उन्हें जवाल हो गया था। बहुत सी reasons हैं उस time पे, बहुत ज़्यादा politically rivalries थी, दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, corruption बहुत ज़्यादा थी, officially डिसऑनेस्टी थी हर जगह, कोई भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था। एजुकेशन को जितनी इम्पोर्टेंस पहले दी जाती थी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होती जा रही थी, और यही सब रीजंस की वजह से मुस्लिम स्टेट को बहुत ज़्यादा जवाल पसीर हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ कुड द कंट्रीज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड हैव रिटेन देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस? The countries of the Muslim world have retained their independence by realizing the importance of unity, education and common purpose for the Muslims. किस तरह से वो दोबारा से अपने आप को उन्होंने ठीक किया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि यूनिटी इत्तेहाद में कितनी ताकत है, इकट्ठे मिलकर रहने में कितनी ताकत है, एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, मुसलमानों का कॉमन पर्पस क्या है। वो इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करके शाह वली उल्लाह ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की, इसके अलावा दूसरे सूफी सेंट्स ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की इन चीज़ों को रियलाइज़ करने में। ईच ऑफ दिस मुस्लिम कॉल्ड ऑन देयर फेलो मुस्लिम्स टू अराइज एंड बिकम अवेयर एंड एक्टिव टू डेवलप इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड फाइनली इंडिपेंडेंट कम्युनिटी। शाह वली उल्लाह ने इसके अलावा दूसरे जो सूफी सेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की मुसलमानों, इस अपने फैलो मुस्लिम्स को बताया कि किस तरह से वो एक्टिव हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं और अपनी दोबारा से इंडिपेंडेंस को जो है वो अचीव कर सकते हैं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है फाइनली अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो अचीव कर ली। सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर। नाउ यू हैव टू वॉच दिस वीडियो हेयर एंड रिव्यू योर प्रीवियस पॉइंट्स। Now you have to complete your book work and learn your all question answers by the help of this video. Thanks for watching.